So now I come to the deprive, like the honorable member has deprived his wife. Yes. So D for deprive. Yes. You spent 20,000 crore on revamping Central Vista. You did this. Abhishek, you did this to improve Abhishek, the homes please, of the rich. Please listen. Listen. Influential. Abhishek, please. And powerful. Abhishek, please. What have you please. Done for the homeless? Please. In the cities. In jo, the towns. Jo, please listen. In the villages. Abhishek, please listen. Jo is sadan ka. Please. एक मिनट. जो इस सदन का मेंबर नहीं है आप इनका बारे में बोल नहीं सकता है प्लीज ये सर सर एक से निकाल दिया जाएगा ये रिकॉर्ड से निकाल दिया जाएगा इस ममता बनर्जी इस ममता बनर्जी जो इस सदन का मेंबर नहीं है यू प्लीज डोंट मेंशन प्लीज डोंट प्लीज 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 दादा प्लीज 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 गो बैक प्लीज प्लीज आपको प्लीज 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 सौमित्र खान जी प्लीज गो टू योर सीट प्लीज दादा प्लीज 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 सौमित्र खान जी प्लीज सौमित्र खान जी प्लीज सौमित्र खान जी सौमित्र खान जी आप लोग भी बैठे आप लोग भी बैठे हम आसान से खड़ा हो गया आप ठीक है सर ये उतार दीजिए प्लीज प्लीज सौमित्र खान जी चलिए मानिए मानिए प्लीज 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 माय प्लीज प्लीज कल्याण जी प्लीज आपके सदस्य बोल रहे हैं आपके सदस्य बोल रहे प्लीज एक चीज सर मैं एक चीज स्पष्ट कर देता हूँ सर चेयरमैन सर ने बोला जो इस सदन की मेंबर नहीं है एक मिनट सदस्य नहीं है एक मिनट सर एक बार सुन लीजिए एक मिनट प्लीज माननीय सदस्य आप भी बैठ जाए एक मिनट माननीय सदस्यगण हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जो इस सदन का सदस्य नहीं हो उसके बारे में टिप्पणी नहीं करें सभी लोग इसकी पालन करने का प्रयास करें सर मैं एक प्लीज प्लीज बोल दिया ना सबको बोल दिया सर नो हम लोग तो बोलते हैं बीजेपी लोग तो बोलते हैं आप लोग कुछ नहीं बोलते क्यों नहीं एक मिनट क्यों नहीं आप उनको नहीं बोलने देना चाहते आप उनको डिस्टरबेंस कर रहे हैं प्लीज अभिषेक जी एक मिनट एक मिनट अभिषेक जी एक मिनट मैंने सभी माननीय सदस्यों को आप डायरेक्शन देंगे क्या मुझे नो प्लीज बैठिए प्लीज माननीय ऐसे मत कीजिए प्लीज ऐसे माननीय सदस्य मेज मत थपाइए जब आपको बोल दिया बैठना है तो बैठना है अभिषेक जी मैं एक चीज सर स्पष्ट करता हूँ ऑनरेबल चेयरमैन सर ने बोला जो इस सदन के सदस्य नहीं है कोई भी सदस्य उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेगा सर मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सदन के सदस्य है नहीं है तो उन्होंने क्यों टिप्पणी किया सर आप अपना पद का मान रखिए सर उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा देन आई विल कंटिन्यू माई स्पीच नो सर यू हैव टू इंटरवीन Sir, you're the speaker. You are the speaker of this house. No, sir. एक मिनट प्लीज मैं हाथ बैठिए बड़े जंतू हमें हाथ जंतू हमें हाथ बड़े प्लीज 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 आग्रह करता हूँ विनम्र रूप से मैं आग्रह करता हूँ सर उनको बोलिए आप स्पीकर के नाते अध्यक्ष के नाते इस सदन का गरीबा के लिए आप उनको बोलिए उठ के वो माफी मांगेगा नहीं प्लीज प्लीज आपको कंटिन्यूस करना है तो करिए उनका नाम सदन के रिकॉर्ड से निकाल दिया है नहीं करना है तो आप डायरेक्शन मत दिए कि उनको माफी मांगे आप मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकते मैंने उनका नाम निकाल दिया ऐसे कई बार हुआ है सदन में पहले निकाल दिया सर Sir, now I come to farm bills. In 2020, the same Modi government
यूनिलैटरली पास्ड 3 कंटेंशियस फार्म बिल्स विदाउट एनी कंसल्टेशन विद द फार्मर्स और फार्मर ऑर्गेनाइजेशन और एनी ऑपोजिशन पार्टी. प्लीज इसको रिकॉर्ड को क्लियर कर लो. इस सदन में 5.5 घंटे चर्चा हुई थी इस सदन में किसान विधेयक. हाँ बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है. बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है. किसान बिल पर सर जब स्पीकर बोलता है तो बोलता है और वो सही बोलता है. सर बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है. सर भाई उनका ताली बजाना खत्म हो जाए तो नहीं नहीं पर माने आपने ये सदन का याद दिलाया ना. एक मिनट माने सदस्य. सर आपने ये सदन का याद दिलाया. माने सदस्य जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं कभी गलत नहीं बोल. सर आप मुझे एक चीज बता दीजिए. इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे हैं. एक सेकंड सर. इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे हैं 700 फार्मर्स मारे गए उनको मौत की घाट उतारा गया. सर एक मिनट एक आदमी ने मोनर एक आदमी ने एक एक मिनट के लिए खड़ा होके उनके ऊपर श्रद्धांजलि दिया. ये आज ताली बजा रहे इसीलिए ऐसा हाल है इनका. और सर 700 लोग मारे गए. ट्रेजिकली ओवर क्या क्या 700 फार्मर्स डाइड. 700 फार्मर्स डाइड. व्हाट डिड यू डू. यू पीपल हैव ब्लड ऑन योर हैंड्स. यू पीपल हैव ब्लड ऑन योर हैंड्स. यू पीपल हैव ब्लड ऑन योर हैंड्स. ठीक है. इन 2020 Sir, this contentious fumbles. Hey, chop it up! Passed without any consultation with the opposition parties or farmers' organization. Sir, these bills. Sir, these bills sparked massive protests as farmers. Sir, मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ. एक चीज. Sir, ये जो बोल रहा है. मैं बोल रहा हूँ बीजेपी से. मैं जो सवाल यहाँ पे पूछ रहा हूँ इनसे या मिनिस्टर को जवाब देना है. इनमें से कोई भी अगर जवाब देना चाहता है कोई भी मीडिया चैनल चूज कर ले. मुझे टाइम बता दे मैं आ जाऊंगा. एक हाथ लगे. मैं कह रहा हूँ सर इनका दम है. नो. इनका सीने में दम है. आप अपनी बात कहिए. और अगर हिम्मत है नो. तो ये चुनौती मत दीजिए. आप अपनी आई एम चैलेंजिंग देम. आप नो चुनौती मत दीजिए सदन में. डिबेट विद मी. नो चुनाइए. बाहर चुनौती देना या चुनौती सदन में नहीं. सर यू ट्राइड सर द बीजेपी ट्राइड टू मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ मी बाई सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री टू सी बाई लेटिंग ईडी एंड सीबीआई गो आफ्टर मी. सर बट वॉट डिड द पीपल डू. देश में जनता मालिक है. कोई नेता मालिक नहीं है. द पीपल ऑफ बंगाल एंड द पीपल ऑफ माई कंस्टिट्यूएंसी इलेक्टेड मी 3rd time विद अ मार्जिन ऑफ 7,10,000 वोट्स सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर नरेंद्र मोदी अमित शाह एंड द मिनियंस ऑफ बीजेपी एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री टू सी दिस इज द पीपल्स पावर. सर इफ आई हैव टू बाउ आई विल बाउ बिफोर द पावर ऑफ द पीपल. आई विल नॉट बाउ बिफोर द पीपल इन पावर. दिस पीपल नीड्स टू अंडरस्टैंड. दैट टेक्स मी बैक फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड. वक्त बदल गया है. द प्राइम मिनिस्टर नाउ लीड्स अ क्रीकी वल्नरेबल शेकी कोलिजन एंड इट लीड्स अ कोलिजन गवर्नमेंट विच इज जस्ट वेटिंग टू ब्लो अप. Rather than investing in the future of this country, it is unfortunate that the union government is investing for Modi ji's political survival at the expense of nation's well-being. Truth is, the Honorable Prime Minister is on borrowed time. You all are on borrowed time. Mark my words. Yes. And I would like to end by saying, thoda sabar rakhiye. और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए. मौसम बिगड़ने वाला है. ये एक नहीं बल्कि 3 बार अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करा है. 2021 की आप ही की रूलिंग है. बिट्रेड शब्द और बिट्रेड
अनपार्लियामेंट्री कैटेगरी में आता है वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने मिनियन शब्द का इस्तेमाल करा जो आपत्तिजनक है। इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी करी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर और इसेंट्रिक शब्द का इस्तेमाल करा। मेरा आपसे निवेदन है कि इन दोनों के लिए, इनको तीनों बातों के लिए इनको माफी मांगनी चाहिए और रिकॉर्ड से ये तीनों शब्द एक्सपंज होने चाहिए। अब आप सारा विषय जो आपने उठाया मैं उसको चेक करूंगा और माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि कई माननीय सदस्य आसन को चुनौती देते हैं, आसन पर टिप्पणी करते हैं। मैं सभी दलों के माननीय सदस्यों कह रहा हूं इससे बचना चाहिए, उचित नहीं है। किशन रेड्डी जी, बहुत मिनिस्ट्रीज के अभी यूसी सर्टिफिकेट्स कुछ स्टेट से नहीं आते हैं कि उसके अलग अलग स्टेटों से महिला के पर अत्याचार हुआ, जीरो, एक भी नहीं है। किसानों का अत्याचार हुआ, जीरो, कुछ भी नहीं है। आज देश में एक प्रांत ऐसा है, उस प्रांतों में ना किसानों का आत्महत्या होता है, ना महिलाओं का आत्महत्या होता है, ना महिलाओं का अत्याचार होता है। एक ही स्टेट है ये। आज जब तक अभी जो भाषण सुना है वो उत्तर प्रदेश के वो वेस्ट बंगाल के बारे में बात करना था, वो शब्द पूरा इधर यूज किया है। ये पूरा भाषण जो अभिषेक बनर्जी जी दिया है आदरणीय सदस्यों, पूरा भाषण वो वेस्ट बंगाल के सरकार के लिए है, भारत सरकार के लिए नहीं है, पूरा वेस्ट बंगाल के सरकार के लिए है वो।